हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज के करंट अफेयर्स में मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे उसके लिए खेद है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इट सेज कि अभी हाल ही में भूटान आप सब जानते हैं, भूटान देश बड़ा छोटा सा है, प्यारा सा है ना। इसका एक हाईएस्ट अवार्ड है, ये हाईएस्ट अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है ये हमें बताना है। मतलब किसी देश के, या तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वो आपके प्रेसिडेंट हैं, इनमें से देखिए, है ना। और वो अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गाल्पो, ठीक है। ये अवार्ड याद रखना है, ये किसे मिला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सो द करेक्ट आंसर इज, जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता होगा वो तो तुरंत बता देगा इसका आंसर क्या है। जो नहीं पढ़ते वो ऐसे बच्चे जो वर्किंग है, जिनके लिए प्रॉब्लम होती है, जो हफ्ते के एंड में या मंथली मैगजीन्स का यूज़ करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, पर वो भी चीज़ें हो जाती है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, इन्हें मिला है ये अवार्ड। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि भूटान में वो आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ की इकोनॉमी और हमारे देश की इकोनॉमी को और मजबूत किया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो ही बिकमिंग द फर्स्ट नॉन भूटानीज, पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक भूटान के ही लोगों को ये अवार्ड मिला है, ये हाईएस्ट अवार्ड ऑफ भूटान है, जो चार बार अभी तक मिल चुका है। तो भारत में ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है जो नॉन भूटानीज होकर उन्हें ये अवार्ड मिला है, बहुत बढ़िया। ही रिसीव, ऐसे ऐसे मोमेंट्स ना हमें प्राउड फील कराते हैं ग्लोबली, कुछ भी कहो। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात तो बहुत ही अच्छी की है कि हमारी जो है ना आईआर बहुत मजबूत हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मजबूत हुए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ही रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस ऑनर फ्रॉम भूटान्स किंग जिग्मे खेसर नामगेल वेंगचुक। ये भैया आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि किसके द्वारा मिला है, उनका नाम बताइए। अभी दो दिन की विजिट में गए हैं, थिम्पू गए हुए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। इज अ लाइफ टाइम, ये जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इज कंसिडर्ड द पिनेकल ऑफ भूटान्स ऑनर सिस्टम, ठीक है। अभी तक सिर्फ चार ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो भूटान की हैं, जिन्हें ये अवार्ड रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट कि हाउ ही बिकम, यू नो, ही बिकम द फर्स्ट नॉन भूटानीज टू रिसीव दिस अवार्ड। The order of जो ये ड्रग गाल्पो है, मैंने बताया ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और डेकोरेशंस इन कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं, ये रिपीटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस, अभी 2024 का बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, आई डोंट नो, आप बताइए ये कब सेलिब्रेट, कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। 22nd मार्च, 21st मार्च, 27th मार्च, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज, बिहार वाले बच्चों को तो जरूर पता होना चाहिए, आंसर ए, 22nd of March, यानी कल मनाया गया था, ठीक है। बिहार दिवस 2024 सेलिब्रेटेड ऑन 22nd मार्च 2024 होल्ड्स इमेंस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर द स्टेट ऑफ बिहार, पता होना चाहिए ये किस पर्पज से मिलता है। इट कमेमोरेट्स द फाउंडिंग ऑफ बिहार, ठीक है, एज अ सेपरेट स्टेट इन 1912, मार्किंग इट्स सेपरेशन फ्रॉम द बंगाल प्रेजिडेंसी, बंगाल से अलग हुआ था 1912। द इंसेप्शन ऑफ बिहार दिवस डेट्स बैक टू 2010, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड द सेलिब्रेशन टू ऑनर बिहार्स 112th स्टेटहुड एनिवर्सरी। सिंस देन बिहार दिवस हैज इवॉल्व्ड इनटू अ वाइब्रेंट ओकेशन रिफ्लेक्टिंग द एसेंस ऑफ बिहार्स रिच हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। तो एक बार तो तय है, ये अवार्ड का ये जो दिन मनाया जा रहा है, नॉट अवार्ड, ये दिवस मनाया जा रहा है टू होल्ड हिस्टोरिकल कल्चरल, है ना, हेरिटेज ट्रेडिशंस, इसके मेमोरी में बिहार का कल्चर, बिहार का ट्रेडिशंस, उसके उपलक्ष में मनाया जाता है ये दिवस, ठीक है। पहली बार जब 112वां जो ये मनाया गया था, तब से ये दिवस शुरू हुआ, स्टेटहुड एनिवर्सरी मनाई थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई गई है ऑन कास्ट मटेरियल एलॉय, ठीक है,
ये कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये बड़ा गड़बड़ पेन है। चलिए तो ये आपका क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसी तरफ चलते हैं, गड़बड़ हो गई। ठीक है, बिहार का जो अभी हमने दिवस देखा, अभी सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगा है? कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स फ्रॉम विच कंट्री? चाइना, रशिया, मलेशिया, ईरान। तो सही आंसर है चाइना। अब आप समझो पहले ये डंपिंग क्या होता है। ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने देश का माल दूसरे देश में, दूसरे देश की मार्केट में बेचते हैं बहुत सस्ते दामों पे, उसे डम्प करना कहते हैं। ठीक है, तो डम्प एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फेयर नहीं है, है ना। अब मान लीजिए कि अगर चाइना डम्प कर दे अपने सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सस्ते दामों में, प्रोडक्ट में बेच दे, जो पेन, एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, जो पेन डोमेस्टिकली हमारे इंडिया में 10 रुपीज़ का है सपोज, ठीक है, और चाइना ने सेम क्वालिटी 10 रुपये वाला पेन हमें बेचा, हमारे यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है ₹2 में, तो इंडियंस कहाँ जाएंगे? इंडियंस को क्या समझ में है कंट्री का, इकोनॉमी का, दूसरे देश की इकोनॉमी? व्हाट ही और शी विल डू अप्रोच टू दिस ₹2, ये 2 रुपये वाला पेन खरीदेगा। तो ये क्या है, उसने डंप किया, बट इससे हमारा 10 रुपये वाला पेन तो बिका ही नहीं। इस 10 रुपये बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी, कॉस्ट ऑफ लेबर हो, प्रोडक्शन जितना भी था आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब तो वेस्ट हो गया। आने वाले टाइम में फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब माल बिकेगा ही नहीं तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लेबर्स, तो ये तो पूरा लॉस है। तो इस प्रैक्टिस को, डंपिंग प्रैक्टिस को रोकने के लिए टैक्स लगाया जाता है, उसको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ड्यूटी मतलब टैक्स, ठीक है। तो अभी सरकार ने, हमारे जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है, और वो एंटी ड्यू जो डंपिंग ड्यूटी है उसको $0.23 to $1.71 पर किलोग्राम बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर तो सस्ता मंगाते हैं, क्योंकि उन्हें, अगर वो मान लीजिए, ये तो फाइनल प्रोडक्ट की बात की, अगर कोई रॉ मटेरियल होता जैसे इस केस में है, तो रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता प्रोड्यूसर को, उसकी कॉस्ट भी कम आती, है ना। अगर प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम आएगी तो उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, है ना, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो तो डेफिनेटली जो डंप किया हुआ है उसको खरीदेगा। उसको डिसकरेज करने के लिए, क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर्स जो कंपटीटर्स होंगे, क्योंकि ये अनफेयर कंपटीशन है इंडियन मार्केट में, तो वो बहुत डिमोरलाइज्ड होंगे, इसलिए ये लगाया जा रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज सेट द एप्लीकेंट्स हैव सबमिटेड एविडेंस ऑफ डंपिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना इन स्पाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ठीक है, तो TGTR कैन रिव्यू द नीड फॉर द कंटिन्यूड इम्पोजिशन ऑफ दिस ड्यूटी बिफोर द एंड ऑफ द 5 ईयर्स। तो ये 5 साल के लिए ड्यूटी वैलिड है, उससे पहले हटाना है, नहीं हटाना, लगाना है, बढ़ाना है, इट्स ऑल विश और द रिव्यू पोर्शन ऑफ दिस एजेंसी DGTR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दिन, किस दिन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पता ही है, काला गोरा, है ना, एलिमिनेट, उसको ख़त्म करने के लिए। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। भारत बहुत अच्छा हमारा देश है कि हमारे देश में ये इस तरीके के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम देखने को। हाँ, शादी ब्याह में आज भी गांव में ये है, वो अलग चीज़ हो गई कि गोरी लड़की होनी चाहिए, है ना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो हमारे भारत में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है। ठीक है, कई कई जगह ज़्यादा प्रिविलेंट होगा, बट लार्ज स्केल पे नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में ये बहुत है। ठीक है, तो ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है आपका
ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ये बी नहीं, ये ए नहीं होगा, बी होगा, 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका इस साल का थीम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है थीम से पूछ ले। अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अफ्रीकन के साथ ये ज़्यादा होता है, हमारे इंडिया में मेट्रो में अफ्रीकन जा रहे होते हैं, देखते हैं कि वी नेवर डिस्टर्ब और हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द फॉरेन विजिटर्स इन इंडिया। रेशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लीगेसीज ऑफ स्लेवरी एंड कॉलोनियलिज्म कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय लीव्स एंड कर्टेल अपॉर्चुनिटीज प्रिवेंटिंग बिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम एंजॉइंग देयर फुल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स। नेक्स्ट है रीस्किलिंग रेवोल्यूशन। द रीस्किलिंग रेवोल्यूशन विच इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड एज अ फाउंडर मेंबर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। तो इनमें से कोई एजेंसी है जिसने रीस्किलिंग रेवोल्यूशन पे काम किया है, उसमें भारत अभी एज अ फाउंडर मेंबर उसने ज्वाइन किया है। सो यू नीड टू टेल मी ये रीस्किलिंग रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ये भी जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी, बट सबसे पहले समझते हैं रीस्किलिंग क्या है। तो यहाँ पे इंडिया ने ये ज्वाइन किया है जो एक इनिशिएटिव है, रीस्किलिंग रेवोल्यूशन का मतलब है, रेवोल्यूशन आपको पता है क्रांति लाना, चेंजेस, चेंजेस एक ऐसे जो इम्प्रूवमेंट की तरफ दर्शाता है। आप पहले जैसे कि कोई चीज़ थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, आटा गूंदने की मशीन नहीं थी, जो लड़कियां स्टूडेंट्स देख रही हैं वो उनको पता होगा, बॉयज़ को भी खैर पता होगा, आटा गूंदा जाता था, लेकिन आविष्कार ऐसा रेवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 आटा बनाने की मशीन आ गई, गूंदने की मशीन आ गई, है ना, रोटी बनाने की मशीन आ गई। तो ये क्या है, रेवोल्यूशन है, उसके अब कंसिक्वेंसेस बैड और गुड वो दोनों हैं, बट रीस्किलिंग रेवोल्यूशन, अब जो रेवोल्यूशन है उसको रीस्किल करना, एक ऐसा इनिशिएटिव विच प्रोवाइड 1 बिलियन पीपल विद बेटर एजुकेशन स्किल्स एंड जॉब्स बाय 2030। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है 2030 तक, ये भाई और एजुकेशन स्किल्स देना है और रेवोल्यूशन लाना है, लेकिन और भी बेहतर तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मैनी जॉब्स कैन बी क्रिएटेड एज लॉस्ट बाय द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी हमारे इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबली कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा है, 4th, 4 अभी तक रेवोल्यूशन हो चुके हैं, 4th चल रहा है, 3 हो चुके हैं, 4th में हम ऑनगोइंग है। तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखो, जब भी मशीन आती है तो लेबर हटता है, तो उस पर मार पड़ती है ना। तो मैंने कहा है हर एक स्टेप के पीछे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बस वी नीड टू एनालाइज किसका पड़ला भारी है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है, या मेरिट्स ज़्यादा है या डिमेरिट्स ज़्यादा है, ऑन डैट एस्पेक्ट यू नीड टू टेक फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पे 4th रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये एक ऐसा रीस्किलिंग रेवोल्यूशन होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है स्किल्स चाहिए, तो हाई स्किल्स वाले को तो जॉब मिल जाएगी, बट व्हाट अबाउट दोज हु हैव लेस स्किल्स। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे कंपैटिबिलिटी क्रिएट की जाएगी, जितने लेबर्स हैं उनके, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनके स्किल्स को सेट किया जाएगा, और स्किल्स को सेट करके उनको और भी आगे मजबूत करके, सो डैट कि वो बेरोजगार ना रह सके, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स बाय 2022 42% कोर स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एग्जिस्टिंग जॉब्स। अब आपको पता है AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी का जो PPT एक एम्प्लॉय को बनने में लगता था सपोज 3 to 4 hours लगते थे, अब वो AI कितने देर में काम कर रहा है, 5 to 10 minutes में, कितना टाइम बचा कंपनी को, फ़ायदा। बट वट अबाउट पीपल हु वर्कड ऑन दिस PPT एंड हु डोंट हैव एनी स्किल्स, जिसके पास स्किल्स नहीं है टू अंडरस्टैंड द AI एप्लीकेशन, दैट मीन्स वट दे रिक्वायर ट्रेनिंग। सो इन दिस परस्पेक्टिव रीस्किलिंग रेवोल्यूशन, इसके पर्सपेक्टिव में ये है कि भाई हम स्किल्स और एजुकेशन की और बात करेंगे, सो डैट बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ना हो ड्यू टू दिस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
ठीक है. इन एडिशन टू हाई टेक स्किल्स, स्पेशलाइज्ड इंटरपर्सनल स्किल्स विल बी इन हाई डिमांड, इंक्लूडिंग स्किल्स रिलेटेड टू सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, केयर एंड एजुकेशन. ठीक है, तो बाय जस्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या एस्टिमेट किया, 133 मिलियन न्यू जॉब्स इन मेजर इकोनॉमिक्स विल बी क्रिएटेड टू मीट द डिमांड ऑफ दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट्स आर पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन द वर्क फोर्स ऑफ टूडे. जैसे जैसे यहाँ मेन्स का यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन सकता है, या पीसीएस का भी मेंस का, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे चैलेंजेस भी आ रहे हैं. एट द सेम टाइम डेमोग्राफिक शिफ्ट इज अ बिगेस्ट टास्क और इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, है ना. स्कूल में ही देख लो, घर में ही देख लो, टेक्नोलॉजी आती है. मोस्ट ऑफ पीपल हु रिसाइड्स इन अ फैमिली, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स. तो उनको एक ट्रेनिंग चाहिए. माइक्रोवेव है जो किसी को, बहुतों को यूज़ करना नहीं आता. आपके घर में मेड आती है, उसको पता ही नहीं है कि स्टील के बर्तन नहीं रखने. सो व्हाट दैट पर्सन नीड ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग देने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन एट होम भी होना चाहिए, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं आपकी रीस्किलिंग इन रेवोल्यूशन में. अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया बिकम फाउंडर मेंबर. अदर मेंबर्स आर ब्राज़ील, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, क्योंकि याद रखना है पड़ोसी देश की जब भी बात होए तो फोकस करना है पाकिस्तान, नेपाल, आपका भूटान, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव अगल बगल में है, तो ये जरूर जहाँ पे भी नाम है फोकस कर लेना है. रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. अब इसमें आपका रशिया भी है, यूएस भी है, चाइना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है पता है, प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट्स इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री इन मशीन एंड मैन्युफैक्चरिंग. कोई भी काम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज, है ना, जो काम हाथ से किया जा रहा है, डेट शिफ्ट टूवर्ड्स मशीन, डेट इज अ रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री. These technology changes introduce novel ways of working and living and fundamentally transformed society. This process began in Britain. Britain में start होती है 18th century से, फिर वहाँ से spread होके other parts में भी ये spread हुई. अभी तक चार हमारे revolutions हैं. First industrial revolution आया था 1765, 18th century से start हुआ था, coal से start हुआ. Second आया gas. पहले क्या था कि सबसे पहले product बना जिसे लेबर ने नहीं मशीन ने बनाया, वो था फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और वो मशीन को यूज़ किया गया था क्योंकि मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो द सोर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री बिकम वॉज कोल. कोयले से टेक्नोलॉजी मशीनरी को चलाया गया. आफ्टर डैट सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वी क्रिएटेड अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस आया. थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर इन 1969. फोर्थ रेवोल्यूशन क्या है हमारा, इंटरनेट एंड रिन्यूएबल, क्योंकि ये वो फेज थे जहाँ पे केमिकल का यूज़ बहुत हुआ, है ना. जब केमिकल यूज़ होंगे तो उसके क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो हुआ भी, उसे निपटने के लिए फिर से काम किया जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये वो दो फेज थे जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ किया गया, ठीक है. आपका प्लास्टिक आया, आपका केमिकल्स आया, अभी क्या चल रहा है, प्लास्टिक को बैन करो, है ना. कोई भी सोर्स अगर आज आप करते हो, उसका कंसिक्वेंसेस अगले दिन, अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दिनों में देखने को मिलता है. तो जब आप डिसीज़न लेते हो कोई भी चीज़ का, कहते हैं कि अगर चुनाव करते हैं तो यू हैव टू कम्प्रोमाइज. देयर इज ऑलवेज एन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह होगी. आपको क्या लगता है, रिन्यूएबल सोर्सेज में ये हमें बहुत सेफेस्ट लग रहा है, क्या इसकी कोई वीक पॉइंट नहीं होगा? होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, है ना. अगर सोचिए, जब हम कोयला, गैस यहाँ पे सोच रहे थे, क्यों नहीं हमने तभी ये सोचा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इतने धीरे धीरे धीरे. ये 2000 का फेस सोचिए, 1765 से लेके 2000, यहाँ तक इतना गैप है, ठीक है. इस तरीके से डिसीजन लेना है कि हम सस्टेनेबल पे मूव करें. सस्टेनेबल
कि अपने रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनजीओ है, बेस्ड ऑन दिस जेनेवा, कैंटन ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड बेस्ड है। प्रेसिडेंट कौन है इनके? बॉर्ज ब्रिंडे करंट में। इन्होंने इंडिया की बहुत तारीफ की है, इंडिया की स्टोरी, उन्होंने ये कहा इंडिया में पोटेंशियल है, इंडिया इतना तरक्की कर सकता है, और कॉन्फिडेंटली किया कहा कि भाई इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग लार्ज इकोनॉमीज बन रहा है, और ये भी एक्सप्रेस किया कि इसकी जो ग्रोथ रहेगी, जीडीपी ग्रोथ, वो इट विल बी कंटिन्यूइंग 8%, अराउंड 8%। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कह लो, बहुत अच्छा ये एक रैंक कह लो जो हमें दिया गया है। अच्छा, अब आ रहा है आपके सामने एक ऐसा एक्ट जिसकी आजकल कुछ दिनों से चर्चा में है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन हिस्ट्री इवन, है ना। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सेंट्रल एजेंसी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन कनेक्शन विद अ लीकर स्कैम। दिल्ली में शराब घोटाले के स्कीम में इन्हें गिरफ्तार किया गया है ना, ये अरेस्ट हो चुके हैं, इवन इन्हें रिमांड में ले लिया गया है। अब ये 28th डेट तक है ना, ये हमारा इंडिया है, पीछे इतने शोर आते रहते हैं है ना गली मोहल्लों में, तो उसके लिए भी मुझे खेद है, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा वो पीछे की नॉइस को। अच्छा, ये 28 तारीख तक इनको रिमांड में ले लिया है। अब हमें ये जानना है हमारे एज अ स्टूडेंट, व्हाट आर द थिंग्स इम्पॉर्टेंट विच मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये 2002 में आया, PMLA वॉज इनेक्टेड टू फाइट अगेंस्ट द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ लीगलाइजिंग। अगर कोई इनकम, आप कोई इलीगल सोर्स से कुछ भी आप अपना पैसा कमाते हैं, डेट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल मनी और ब्लैक मनी, ठीक है। तो ये एक्ट इनेबल करता है सरकार को और पब्लिक अथॉरिटी को टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी अर्न फ्रॉम द इलीगली गेंड प्रोसीड्स। अब दिल्ली शराब घोटाले में हुआ क्या था, केजरीवाल जी ने 2 साल पहले की बात है, कि शराब दिल्ली में बहुत सस्ती है ना, तो दिल्ली में क्या हुआ कि जो सरकारी दुकानें थी, पहले क्या रेशियो था, 60% 60-40, कुछ दुकानें आपकी सरकारी होती थी, कुछ दुकानें आपकी प्राइवेट होती थी, बट चेंजेस आए, उस चेंजेस के अनुसार क्या हुआ, कम से कम दिल्ली का जो जोन था 32 भागों में बटा, हर एक जोन में 27 से 28 दुकानें रखी गई, टोटल में 700-800 दुकानें हुई, जो सारी की सारी प्राइवेट हो गई, सारी प्राइवेट हुई, और बड़े बड़े जो दुकानें थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनको टैक्स, उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया, छोटी दुकानों को बहुत नुकसान हुआ। तो ये उनके पीछे इरादा था कि भाई स्टेट की जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो इससे बढ़ेगी, इस सोर्स से, ठीक है, और वो सोर्स का पैसा यूटिलाइज होगा, ठीक है, देखो कहीं ना कहीं गलत भी थे, लेकिन वो सोर्स उन्होंने दिल्ली में जो आम आदमी के लिए सोचा, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचा, ठीक है, चाहे वो आपके वाटर के लिए सोचा, एक आम आदमी के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन, मुझे पता है, आई रन माई ओन एनजीओ, और मैंने एनजीओ का मयूर विहार में स्कूल में सेशन लिया था, इवन यू कैन चेक इन यूट्यूब कि वो स्कूल में बच्चों इतना बढ़िया, जो गली मोहल्ले के बाई होते हैं, मेड होती है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतना बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इतनी बढ़िया एजुकेशन पे उनके लिए बात हो रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय, एक अप्रिशिएबल बात है, नो डाउट अबाउट डैट। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं ईडी के 9 सम्मन जा चुके थे, उस 9 सम्मन में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, उन्हें डर था कि मैं पकड़ा जाऊँगा इन द सेंस कि मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा, है ना। तो ये वो बातें हैं जो मीडिया में दिखाई जा रही है, कोई भी बात मेरी खुद की नहीं है कि मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो उनका ये डर था, उनका बयान आया कि भाई मुझे ईडी जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे, अब उन्हें आना चाहिए था सबूत, अपने एविडेंस, इफ़ यू आर करेक्ट ऑन योर साइड, यू मस्ट बी हैविंग योर एविडेंस इन योर हैंड, ये इससे एक सीख मिलती है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं प्रोसीडिंग्स चलेंगी, क्या आगे निचोड़ निकल के आता है, लेकिन जो ईडी है वो बहुत ही जोरों शोरों से स्ट्रिक्ट ले रहा है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो हमारा फीचर है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी में
तब्दील हो रहा है, ये भी एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो अथॉरिटी है वो कौन सी है, आपकी ईडी है, पूछा जा सकता है प्रश्न, मैंने पहले भी बनाया था एक प्रश्न इस पे। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, ये मंत्रालय में जिसका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना जितने भी अपराध हैं अंडर दिस पीएमएलए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये भी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्टली रिपोर्ट देती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, विच इज़ हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपका ईडी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मुझे क्या बताना है, एक्शन क्या क्या इनिशिएट हो सकते हैं अगर कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड्स को, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जितनी भी है, और दूसरा क्या किया जाएगा, उसको रिगरस पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, मिनिमम जो है वो 3 साल की है, दिस मे एक्सटेंड अप टू इवन 7 ईयर्स, फाइन विदाउट एनी लिमिट, कितना भी फाइन लगा सकते हैं। सो दीज टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, दो दूसरा आपका फैक्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि ये कौन से मंत्रालय में है, यहाँ पे क्वेश्चन पक्का पूछेगा क्योंकि ईडी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, झारखंड के भी आपको पता ही है कि क्या हुआ था उस केस में भी, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक्शन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक आता है मुद्दा एल्विश यादव। एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर, फेमस पर्सनालिटी, बिग बॉस विजेता, अभी उन्हें हाल ही में पकड़ा गया था स्नेक वेनम, सब जान रहे होंगे है ना, सांप का जहर नशे में काम आता है, रेप पार्टीज में, और उन्हें अरेस्ट भी किया गया और फिर उन्हें कल जमानत भी मिल गई, तो फैंस बहुत खुश थे, लेकिन वो जमानत मिली है बट उनको किस एक्ट में, देखो किसी को जब गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो कोई ना कोई धारा, कोई एक्ट का उल्लंघन के अपराध में, कोई अपराध है, वो अपराध कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले केस में केजरीवाल जी के केस में था आपका पीएमएलए, एल्विश यादव के केस में है आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो ये जो आपका NDPS एक्ट है ये इन पे लगा है, ये पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, ये 1985 में आता है। तो मैं बता दूं कि ये रिहा तो हो गए हैं, लेकिन ये एक्ट कुछ इसकी धाराएं, कहा था नोएडा पुलिस ने गलत भी धारा लगा दी थी, 6 धारा में से 4 धारा अभी भी है इनके ऊपर, हटी नहीं है कम्प्लीटली, रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी ये एक्ट के तहत है, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है, प्रोहिबिट, मना करता है, रोकता है अ पर्सन फ्रॉम प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और द कंजम्पशन ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। ये 1985 में आता है, ये 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1988 में हुआ, 2001 में हुआ, फिर लास्ट 2014 में अमेंड हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नारकोटिक ड्रग में क्या क्या इंक्लूड है, कोका लीफ, कैनबिस, हेम्प, गांजा है, चरस है, ये सब है, ओपियम, पोपी स्ट्रॉ, ठीक है, ये सब न्यूज़ में था तो याद रखना है। कर्नाटका का कुछ केस था जो इसमें बहुत ही फेमस हुआ था ओपियम के केस में। साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस इंक्लूड एनी नेचुरल, कोई नेचुरल भी आ सकता है, मैं बता दूं जो आपका अफीम है, अफीम अफगानिस्तान में उसका बहुत कल्टीवेशन है, पाकिस्तान में है, उसको सप्लाई होती है, पंजाब में होती है अफीम की, तो ये अफीम जो है ये आपका चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक मटेरियल हो वो सब ड्रग्स है, ठीक है। और एनी सॉल्ट और प्रिपरेशन प्रोटेक्टेड बाय साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कन्वेंशन ऑफ 1971। तो पूछा जाए कि कोई बना मिला हुआ पर, मतलब आपका नशा, मतलब वो पदार्थ जो बाहर के हैं सिंथेटिक मोड़ के, नहीं, जो नेचुरल है आपका कोई पौधा है वो नशे जैसा है तो वो भी आपका इसमें आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं वो आपके नॉन बेलेबल है, उनमें जमानत नहीं है। इस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जो पर्सन ने एक्वायर कर रखी है फ्रॉम ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज हु हैज़ बीन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट कैन बी सीज्ड, पकड़ा जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा अगर वो पकड़े जाते हैं, बाय द ड्रग कन्विक्ट्स बाय टर्मिनेशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस पास्ट। बेल प्रोविजन अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स द कोर्ट
टू हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी एंड दैट ही इज अनलाइकली टू कमिट अनदर ऑफेंस वाइल ऑन बेल। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से एलविश यादव जो है अभी रिहा हो चुके हैं। पेनल्टी में क्या क्या लग सकता है? पेनल्टी में भैया आपकी ये देखो, इसमें सीवियर कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इट्स ट्रैफिकिंग है। ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अट्रैक्ट जेल टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 1 year to 20 years, 1 साल से लेके 20 साल। तो भैया जितने यूट्यूबर हैं तो टशन मारना, टशन में कोई भी काम कदम ना उठाइए, क्योंकि वो बहुत, भले ही आप सही हैं गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा टशनबाजी करके आप कितनी चीज़ों में फंस सकते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे बचना चाहिए हम सभी को। ठीक है, अंडर दिस एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड इवन अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस अट्रैक्ट द सेम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, और पेनल्टी भी लग सकती है, और रिपीट अगर ऑफेंस है 1.5 times द पेनल्टी एंड इन सम केस द डेथ पेनल्टी तक भी जा सकता है एज अ पनिशमेंट। तो आप सोचिए कितना रिगरस है। सो विद दिस, बट कंक्लूडिंग, बिफोर कंक्लूडिंग एक और पॉइंट आता है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो इस एक्ट के तहत इसका गठन हुआ, ये एक नोडल ड्रग इन्फोर्समेंट और एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस। ये किसके अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप सोचिए, है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये 1986 में आया अंडर दैट एक्ट NDPS टू इनेबल फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, फाइट एंड फाइट इट्स वायलेशन थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इतना नहीं जानने की ज़रूरत है, बस ये आया है, इस एक्ट के तहत आया है, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। इट्स मैंडेट इज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन ऑल इंडिया लेवल। जब भी बात आ जाती है ना, जब नेशनल की बात आ जाए, तो खैर इसमें नेशनल नहीं है, बट कंट्रोल ब्यूरो है, तो नेशनल लेवल पे काम करेगा, ये वर्क करेगा होम मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन, माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर हैविंग सम सजेशंस टू अपडेट और टू इनरिच दिस सेशन इन मोर बेटर वे, सो यू कैन पुट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। टिल देन, गुड डे, बाय।